अंतर लग रहा है, शांत लग रहा है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। निश्चित है कितना भी भारत सरकार के साथ तो यो हुआ ही है, लेकिन हम जहां भी जाते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, सबको इतना अच्छा लग रहा है जैसा कि उनका ही प्रोग्राम है। तो सब लोग चाहते हैं कि नहीं, एक दिन के प्रोग्राम करने से बच्चे या स्टाफ व्यसन नहीं छोड़ सकता है, तो इस प्रकार की प्रोग्राम बार बार होता रहे ताकि हमारे बच्चों पर, स्टाफ पर, सब पर अच्छा असर पड़े और हमारा इंस्टीट्यूट नशा मुक्त हो जाए। हमारा अरुणाचल तो नशा मुक्त बनाना ही बनाना है, साथ साथ उसके पहले हमारा इंस्टीट्यूट, चाहे वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे जनरल कॉलेज हो, हम नशा मुक्त हो, ऐसा हमारी अभियान है। ओम शांति। आई एम डॉक्टर सचिन परब फ्रॉम मुंबई। इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 28 ईयर्स माय मैसेज टू यूथ इज दैट you are the target of this industry, this industry, drug industry, alcohol, tobacco, they will try to catch you. What you have to do is you have to just say no to the drugs and yes to the life. That is my message. Say no to the drugs, addictive substances, and yes to the life. Life is beautiful, you have to enjoy, but enjoy your life without alcohol, tobacco, cigarette and drugs. There is a better way of enjoying. And if, unfortunately, if you are caught in any of these addictive substances and not able to quit, practice meditation. And Brahma Kumaris is there to help you. We are there to help you in your life. Practice meditation, develop your concentration, focus, and then you will succeed in life. My best wishes to all the youths of Arunachal Pradesh. ये नशा मुक्त भारत जो ब्रह्मा कुमारी या नेरेज में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा है। नेरेज जैसे हमारा यहाँ तो ऑलमोस्ट 2,000-3,000 स्टूडेंट्स जो रहते हैं और फैकल्टी ऑफिसर और स्टाफ, पूरा 8 स्टेट का स्टूडेंट रहते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो स्टेप जो है, जो अवेयरनेस जो करा रहा है स्पेशली हमारा यूथ के लिए, क्योंकि ये हमारा जो स्टूडेंट जो है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द टुमारो। तो इसलिए इस टाइप का अवेयरनेस कैंपेन करना, और ये एक दिन के लिए नहीं, डेली बेसिस में, मतलब मंथली में एक दो बार एटलीस्ट उसको करना है, एंड सो दैट आवर स्टूडेंट यहाँ जो भी जो नेरे से जो निकलेगा, ही ओर सी बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ द स्टेट। एम ओ यू तो अभी हम लोग साइन नहीं किया है, तो अभी हम लोग इसको साइन करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी का अभी उसमें हम लोग ये करके, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द दूसरा इंस्टीट्यूट में भी किया, दूसरा जगह में भी किए हैं लोग, नेरेस में भी हम लोग एम ओ यू साइन उसको कराएंगे। तो ये हम लोग का ये है, तो इसका डिटेल जो है हमारा ब्रह्मा कुमारी से जो डॉक्टर आए हैं वो डिटेल बताएंगे। तो इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जितना है तो हम लोग इसमें साथ में देंगे इसके नशा मुक्त भारत के हित में। एक्चुअली ये ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है बिग चैलेंज हो गया ऑल ओवर इंडिया। तो इसके तहत मैंने ब्रह्म कुमारी एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एनजीओ है, जो फील्ड में साइलेंटली काम करता है। इनका ब्रांचेस 140 देशों में है, मोर देन 8,500 सेंटर्स हैं। तो भारत में भी सारे हर डिस्ट्रिक्ट में इनके सेंटर है। तो ये लोग का कोई प्रॉफिट मेकिंग कुछ नहीं है, तो वो सोसाइटी का बेहतरमेंट के लिए काम करते हैं। तो एमओयू जो है भारत सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है 4 मार्च 2023 को, कि ब्रह्मा कुमारी जो जितने भी सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, तो वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। तो उसमें सहयोग देना है, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हो या स्कूल हो, सब जगह में ये सब अवेयरनेस कैंपेन चलेगा, विशेषकर यही है।